हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सृष्टि एजुकेशन हाउस। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार पुलिस, बिहार एसआई एवं बिहार चालक की जो नई भर्तियां आने वाली है उससे रिलेटेड इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस पेपर की कटिंग को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। दोस्तों, इसमें लिखा गया है 67,735 पुलिस कर्मियों की होगी भर्ती। दोस्तों, ये न्यूज़ बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आप लोग हमेशा मुख्यमंत्री का भाषण सुनते हैं तो रोजगार का जब भी बात होता है तो बिहार पुलिस की भर्ती पर वो जरूर बात करते हैं। तो ये बात एकदम बिल्कुल सत्य है, ये न्यूज़ बिल्कुल सत्य है कि इतनी संख्या में बिहार पुलिस की भर्ती कराई जाएगी। अब हम लोग देखते हैं कि पहले चरण में कितनी वैकेंसी आएगी, दूसरे चरण में कितनी आएगी और उसके अगले चरण में कितनी कितनी वैकेंसी आएगी। दोस्तों, सबसे पहले इस हाईलाइट जो जोन है उसको देखते हैं कि इसमें क्या लिखा गया। दोस्तों, इसमें लिखा गया है, इसमें पहले चरण में 24,269 पद पर होगी बहाली, जिसमें दारोगा के 2,000 पद होंगे, सिपाही के 19,469 पद होंगे और चालक के 2,800 प्लस पद होंगे। तो दोस्तों, ये वैकेंसी प्रक्रिया है। पहले चरण में आप लोगों ने देखा 2,000 एसआई का वैकेंसी आएगा, 19,469 बिहार पुलिस कांस्टेबल का आएगा और चालक का 2,800 पद आएगा। और दोस्तों, इससे पहले आप लोगों को एक बात याद होगी कि 21,000 प्लस पोस्ट आप लोगों को बिहार सरकार के द्वारा इससे पहले वैकेंसी दिया जा चुका है, जिसका एग्जाम अक्टूबर मंथ में कंडक्ट कराया गया था, लेकिन पेपर लीक का मामला सामने आया था जिसके कारण एग्जाम को रद्द करना पड़ा था। तो सबसे पहले इस 21,000 प्लस पोस्ट की जो वैकेंसी है उसको क्लियर करेगी आयोग, उसके बाद ये वैकेंसी को आप लोगों को देगा। और ये 21,000 प्लस पोस्ट को कब तक क्लियर करेगा दोस्तों, उसको हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों, अभी तो चुनाव का माहौल चल रहा है, जून लास्ट तक चुनाव है, तो जून के जस्ट बाद जुलाई के आप लोगों को जुलाई के प्रथम सप्ताह तक, जुलाई के फर्स्ट वीक तक आप लोगों को नोटिस दिया जा चुका होगा कि आप लोगों को ये एग्जाम जो 2100 प्लस पोस्ट की है वो कब ली जाएगी। तो दोस्तों, आप लोगों को जब ये नोटिस जुलाई के प्रथम वीक में दिया जाएगा तो फिर ये एग्जाम या तो जुलाई के लास्ट सप्ताह में या फिर अगस्त के प्रथम सप्ताह में किया जाएगा। तो अभी से लेकर आप लोगों को प्रिपरेशन करने के लिए 3-3.5 महीना का समय है, जो कि काफ़ी है। कोई भी एग्जाम तैयारी करने के लिए 3 महीना का अगर समय मिल जाता है तो एक बेहतर ढंग से प्रिपरेशन किया जा सकता है। तो ये वैकेंसी के बारे में आप लोग चिंता बिल्कुल मत कीजिए, चिंता सिर्फ कीजिए कि हमारा तैयारी का लेवल कैसे बने, क्योंकि अगले विधानसभा का चुनाव है 2025 में, तो वैकेंसी तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ही, सिर्फ आप लोगों को प्रिपरेशन करना। अब दोस्तों, एक और ये 21,000 प्लस पोस्ट की जो वैकेंसी है उसके बारे में एक और पेपर का कटिंग सामने आया है, वो भी वायरल हो रहा है, उसको थोड़ा सा देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि अक्टूबर 2023 में सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र हुआ था वायरल, पेपर लीक में पूर्व डीजीपी सिंघल से हुई पूछताछ। मैंने जो पूर्व डीजीपी जो एसके सिंघल थे उस समय उनसे बातचीत हुई है कि आखिर ये जो पेपर लीक हुआ था कैसे हुआ था, उसके बारे में उनसे जानकारी मांगा गया है। ये आर्थिक अपराध जो आयोग है वो उनसे बातचीत की है, पूछताछ किया है कि आखिर ये कैसे हुआ, ये पेपर लीक का मामला सामने, पेपर लीक कैसे हुआ उसके बारे में हमको जानकारी दीजिए। और दोस्तों, और भी इसमें कई सारी जानकारियाँ दी गई है, लेकिन मेन जानकारी वही है कि आप आर्थिक अपराध
आयोग ने पूर्व डीजीपी एस के सिंघल से पूछताछ की है कि ये पेपर लीक का जो मामला आप लोगों के एग्जाम में सामने आया था उसका पूरा हमको ब्यौरा दीजिए। तो दोस्तों इस 21,000 प्लस पोस्ट की जो वैकेंसी है उसका जोरों शोरों से इसकी चर्चा चल रही है, तो इसका एग्जाम कंडक्ट आप लोगों को जुलाई में जुलाई के लास्ट सप्ताह तक एकदम कंफर्म करा लिया जाएगा। तो आप लोग ये सब के चक्कर में मत रहिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोग प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए। अगर प्रिपरेशन खराब हुआ तो समझ लीजिएगा कि 25 के बाद हो सकता है कि वैकेंसी पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि अगला चुनाव में कौन जीतेंगे। तो फिर आप लोगों को यही जो वैकेंसी आई हुई है और जो आने वाली है उसी को सत्य मानकर उसी में आप लोगों का एक सीट कंफर्म कर लेना है। तो अच्छे ढंग से प्रिपरेशन कीजिए और साथ में ये बताइए कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।